हेलो जी, अरशद बात कर रहा हूं। जी जी हाँ ओके, अब अभी हाँ हाँ ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी अम्मी अम्मी, अल्लाह तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया, क्या हुआ है? अम्मी समझो लॉटरी निकल आई आपकी बेटी की। लॉटरी निकल आई क्या मतलब? चीफ मिनिस्टर हाउस से फोन आया है, मुझे फौरन बुलाया है। चीफ मिनिस्टर को मुझसे कोई बहुत जरूरी काम है, मैं नहाने जा रहा हूँ, आप जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दे, जल्दी से मैं आ रहा हूँ भाई। अच्छा आई एम सो कंफ्यूज्ड, मेरी समझ में नहीं आता कि बाबा कब से इतने बुरे आदमी बन गए। मुझे तो लगता है वो सारी फाइल्स फेक है या फिर बाबा के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हो रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सोच सोच के ना मेरा दिमाग फट जाएगा या फिर मैं पागल हो जाऊंगी। जस्ट कैम डाउन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सोहेल अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। देखो मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी करना बहुत सोच समझ के करना, कहीं कोई गलती ना हो जाए। वैसे तुम्हारा ग्रुप कैसा चल रहा है? वो तो तकरीबन खत्म ही हो गया है। क्यों? तुम लोग तो बहुत दुनिया बदलने की बातें करते थे। अरे छोड़ो ना यार, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अरे हाँ, वो मुझे याद आया, अब्बू अक्सर तुम्हारा पूछते। और अम्मी? वो नहीं पूछ रही थी। जानती तो हो तुम उनकी आदत को। और ये भी कि वो मुझे पसंद नहीं करती। अच्छा सुनो, हम लोग बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाले हैं। क्यों? ओ वाओ, बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्यों? सुहेल, do you really want to be with me? Yes. पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा। क्योंकि पहले तुमने कभी पूछा ही नहीं। जी जी, इलेक्शंस की तैयारी चल रही है। कोशिश तो है, देखते हैं। ओके, बाद में बात होती है। अच्छू मियां, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो 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 जी। कहां गायब हो भाई? ईद का चांद हो गया, तुम तो नजर ही नहीं आते। सर मैं तो यही हूं, आप याद नहीं करते। याद कर लिया, बुला लिया तुम्हें। सर वो एक बात करनी थी। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? देखो भाई, तुम हमारे बहुत काम के आदमी हो। सर मैं कहना चाह रहा था कि आपने अभी तक मुझे यूथ विंग का सदर बनाया हुआ है। अच्छा मियाँ, ये यूथ विंग वगैरह को भूल जाओ। फिर इलेक्शन की तैयारी करो। इलेक्शन? यस, बाहर मेरा पीए बैठा, उससे मिल लो, सारी तफसील तुम्हें समझा देगा। जी, गुड लक। थैंक यू सर। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश।
सर वो पावर प्लांट वाला टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है। आई एम श्योर ये आवाज तू कभी नहीं भूला होगा। हाँ, इस तरह से पुकारने वाला एक घटिया और बुजदिल इंसान याद है मुझे। इतना गुस्सा खैर बनता भी है, लेकिन एक बात कहूं, कव्वा अगर मोर के पर लगा लेना तो खूबसूरत नहीं मजीद बदसूरत हो जाता है। हकदार तू अपने साथ खान लगा ले या सरदार लगा ले, रहेगा तो वही मेरा कमी कमीन ही ना। तेरा खेल खत्म हो गया है। ना 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 ना, खेल कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, किरदार जरूर बदल जाते हैं, बस इंतजार कर, थोड़े दिनों की बात है, तेरा अंजाम बहुत करीब है। वाह, बहुत पार निकला है चूंटी के। औकात में रहकर बात कर हकदार। अरे औकात तो तू भूल गया है अपनी, अगर जरा भी तेरे में लिहाज और खानदानी खून होता तो तू अपने मोहसिन के साथ इस तरह बात ना करता। लेकिन क्या करें, क्या करें इंसान जब उसके खमीर में ही खबासत हो। हकदार, मेरी ताकत का अंदाजा तुझे टेंडर से हो गया होगा। ये तो एक मामूली टेंडर है यार, अभी तो बहुत सारे हिसाब बेबाक करने हैं तेरे साथ। जो कुछ तू सोच रहा है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो सरवत भी बस, तू जानता है सरवत की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। उसके बावजूद तूने तुझ जैसे छोटे इंसान की कोई पसंद कोई मोहब्बत नहीं होती। पसंद भी हम करते हैं, मोहब्बत भी हम करते हैं और हासिल भी हम ही करते हैं। तेरा कसूर कोई नहीं है, घटिया इंसान की घटिया सोची होगी। याद रख हकदार, तुझे बनाया भी मैंने है और खत्म भी मैं ही करूंगा। अगर तुझे रास्ता दे दिया है ना, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तू बड़ा हो गया। मुझे मार देना था, जिंदा छोड़ के बात बड़ी गलती की तूने। अरे मुझे तो हंसी आ रही है, होता है। होता है, शोहरत तो मिल जाती है लेकिन उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ,
शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो खान की इस हरकत पे बड़ी हंसी आ रही है कि वो सरवत के मुकाबले में अपने भतीजे को लड़वा रहा है। कमाल है। खान ऐसा नहीं कर सकता। तुम इतने वसूस से कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मैं खान को जानती हूं। वो सियासत का मोहरा नहीं बल्कि बिसात बिछाने वालों में से। वो ऐसा नहीं कर सकता। शायद तुम ठीक कह रही हो, वो कोई और ही खेल खेल रहा है। खेल वो नहीं, कोई और खेल रहा है। जो एक ही तीर में दो शिकार करना चाहता है। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूं अब्बा जी, सारे फैसले सीएम हाउस में हो रहे हैं। क्यों याकूब साहब? ये बाय इलेक्शन तो आप ही जीतेंगे। आपका हलका है, आपके लोग हैं, कोई चाहे कुछ भी कहे। और वो दूसरा कैंडिडेट इज नथिंग। अगर खान का नाम आए तो पासा पलट भी सकता है। वैसे ये मूव जिसने भी की है, या तो वो खान को नहीं जानता या फिर सियासत को। जब आप जानते हैं कि अच्छू इलेक्शन नहीं जीत सकता तो फिर इस अहमकाना फैसले का मतलब? मैं जानता हूं खान साहब कि अच्छू इलेक्शन नहीं जीत सकता, लेकिन एक बात है कि उसके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है और मुझे इतना यकीन जरूर है कि वो बहुत सारे वोट कार्ड जरूर देगा। क्या कहना चाह रहे हैं? आजकल मैं मंसूर और याकूब से रابطे में हूं। ये सरवत आजकल याकूब के साथ बहुत नजर आ रही है। भाड़ में क्या याकूब, कोई कंसर्न नहीं है मेरा उसके साथ। बस मेरा भांजा इलेक्शन नहीं लड़ेगा। छोड़िए खान साहब, गुस्सा थूक दीजिए, लड़ लेने दीजिए उस बेचारे को इलेक्शन, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। भांजा है आखिर हमारा। पावर प्लांट का टेंडर कैंसिल हो गया है। क्या? लेकिन साहब ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, यकीन जानिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब
खान का टेंडर मसूख हुआ है। हाँ हाँ, खान आया था यहाँ पे। अच्छा, क्यों? ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आपकी तो आंखें भी तंज करती हैं। तुम इसे तंज कहो या कुछ और, लेकिन सच बात तो यह है कि तुमने रिश्ते निभाए नहीं हकदार। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन एक एक करके सब मुझे छोड़ के चले गए। कोई तुम्हें छोड़ के नहीं गया, खुद दूर भागे हो सबसे। अब खामखा सच्चाई को छुपाने के लिए बहाने ना तलाश करो। बहाने तलाश करने वाला झूठा होता है। मैंने तो सबको जोड़े रखा। खैर छोड़िए, क्या लेंगी आप, चाय या? मुझे क्यों बुलाया? अर्शद इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। हाँ, मना कर दीजिए उसे, इस मामले में ना पड़े। वो बहुत खुश है, तुमने तो कभी ना सोचा उसके बारे में। सोच रहा हूं इसीलिए मना कर रहा हूं। उसे अंदाजा नहीं है कि वो किन हाथों में खेल रहा है। वो इलेक्शन लड़ रहा है, सारी दुनिया इलेक्शन लड़ती है, क्या बुराई है भला इसमें? जो मैं जानता हूं आपा, वो आप और अच्छू नहीं जानते। हाँ, ये तो सच कहा तुमने। जो तुम जानते हो वो मैं तो क्या कोई भी नहीं जानता। खैर, मैं उसे बता दूंगी, अब वो माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। देखा आपने हमारा रेस का घोड़ा? कुछ घोड़े रेस जीतने के लिए दौड़ाए जाते हैं और कुछ काम बिगाड़ने के लिए। अब देखते हैं ये रेस जीतता है या काम बिगाड़ता है। बताओ तो सही, क्या हुआ? बैठो तो सही, बैठो तो सही। ओके, क्या है? आर यू रेडी? यस आई एम। ओके, जल्दी करो। हाँ
ये क्या है? हमारे पासपोर्ट्स और लंदन की टिकट्स। तुम तो यहाँ पे जॉब करने वाले थे, ये अचानक लंदन का प्लान कैसे बन गया? फाइनली हमने लंदन ही जाना था, तो बस अब जा रहे हैं। अब कब? हम कब लंदन जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? इतनी जल्दी? कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। हैला, मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ ना, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। हम लोग किसी भी सूरत यहाँ पे सिक्योर ही नहीं है ना हैला। I understand that. मगर ऐसे अचानक से इतनी जल्दी मैं अपनी अम्मी को, अच्छू भाई को, इन सबको ऐसे कैसे छोड़ दूँ? Oh come on नायला, please. खुद को फूफो से मिलाना छोड़ दो। हमारी अब शादी हो चुकी है और हम लोगों ने बस साथ रहना। और वैसे भी ये फैसला हम लोग पहले ही कर चुके हैं। I just hope के जो भी हो अच्छा ही हो। Definitely, definitely. तुम्हें पता है अच्छू भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छू इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, इस इलेक्शन में जमील की सीट से। किसकी सीट से? जमील की सीट से। मम्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा इस तरह इन्वॉल्वड है। बेटा, यही सच है। तुम्हारे बाबा हमेशा से ऐसे ही थे, बस अब तुम बड़ी हो गई हो ना, तो तुम्हारे सामने सारा सच खुल रहा है। पहले मैं तुम बच्चों को बताया नहीं करती थी कुछ भी। आप सही कह रही थी, पापा की पर्सनालिटी बहुत दोहरी है। ये घर अब वीरान हो गया। मुझे तो इस घर से वहशत होने लगी है। कभी कभी दिल चाहता है कि मैं बस छोड़ के कहीं चली जाऊं, लेकिन अभी मुझे कुछ काम करने हैं। कैसे जरूरी काम? मम्मी, मैंने बाबा और कुछ और पॉलिटिशियंस के खिलाफ एविडेंसेस जमा किए हैं। प्लीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग, कुछ मत करो तुम। नहीं मम्मी, जब तक मेरे पास एविडेंसेस नहीं थी तो मैं भी सोच रही थी कि मैं यह सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन अब बात अलग है, मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा कि सबसे बड़े स्कैंडल्स के मरकजी किरदार बाबा हैं। चाहे मिसिंग पर्सन्स हो, बिल्डर्स माफिया हो, किसी का टेंडर या फिर किसी का मर्डर। तो तुम क्या करोगी? मैं बाबा को अपने प्रोग्राम पे बुलाऊंगी और उन्हें एक्सपोज करूंगी। बेटा, उस मुल्क में हर शख्स सब कुछ कर रहा होता है, स्कैंडल भी निकल आते हैं, मीडिया एक्सपोज भी कर रहा होता है, कोई पकड़ा जाता है। ये सब कुछ बहुत अरसे से ऐसे ही चलता रहा है और चलता रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकती, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस। ये सब इसलिए चल रहा है मम्मी क्योंकि हम चलने दे रहे हैं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ बेटा, लेकिन खो मेरी बीना चली गई। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती, ये रिस्क नहीं उठा सकती मैं। प्लीज तुम कुछ मत करो। मम्मी डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है? पापा ने हमें क्या दिया है? बीना मर गई, आप लंदन चली गई, कमाल और नायला ने घर छोड़ दिया है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? बाबा की वजह से। ख्याल करना अपना, बी केयरफुल। जी अली चिश्ती ने दो अहम शख्सियात को पुलिस तहवील में लेने की तस्दीक कर दी है। ओवर टू यू न्यूज़ स्टूडियो।
جی جناب، کیا حکم ہے؟ خان صاحب، یہ سب کیا ہے؟ وہی سب کچھ ہے جو آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ آپ کو کسی بات پہ تحفظات تھے تو ہم سے کہا ہوتا۔ میں سمجھا کہ شاید میری بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ لیکن خان صاحب، یہ بھی تو سوچیے، اس واقعے سے ہماری پاور کم ہو جائے گی۔ ہم سب ایک دوسرے سے کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک کڑی بھی نکلی تو سب بکھر جائے گا۔ ایک گھنٹہ ہے آپ کے پاس، اور ایک گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اتنی بریکنگ نیوز چلیں گی کہ آپ کی حکومت کومے میں چلی جائے گی۔ الیکشن ہوگا بھی اور میں جیت بھی جاؤں گا، دیکھ لینا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم بھائی؟ حکومتی پارٹی آج تک ضمنی الیکشن نہیں آ رہی، دیکھ لینا، ارشد سرفراز ہی جیتے گا۔ اچھا بس بس، میری بات سنو پہلے۔ تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ارشد کو الیکشن لڑنے سے منع کر دو، دور رکھو اسے۔ مامو جان کا پرابلم کیا ہے؟ ہاں ڈائریکٹ سی ایم صاحب کا مجھے فون آیا، پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ مامو سے کہنا کہ میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹنے والا، اتنی محنت کی ہے، کوئی مذاق بات ہے کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تو تمہیں صرف وہ بتا رہی ہوں جو تمہارے مامو نے کہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی ارشد کو ایسے معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے دور رکھو، منع کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی مامو جان کو بول دینا کہ جب میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تو منع کر دیتے تھے کہ ابھی وقت نہیں آیا، اور آج جب میں اپنی محنت کے بلبوتے پر اسمبلی کا ممبر بننے جا رہا ہوں تو وہ پھر سے منع کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھ لینا، میں الیکشن لڑوں گا بھی اور جیتوں گا بھی۔ کیا بات ہے یعقوب صاحب، آپ کا مزاج کچھ اکھڑا ہوا ہے۔ آخر خان سے ٹکراؤ ہو ہی گیا نا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ آپ کا ٹینڈر خان کو مل گیا۔ آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ حکم کیجیے۔ مین سر، السلام علیکم۔ سر، او تو تیار ہو گئی؟ جی سر۔ گڈ، ایک کام کرو، اس کی کاپیز بناؤ پہلے، اور ان میں سے ایک کاپی خان کے ایڈریس پہ میل کر دو۔ سر خان کے ایڈریس پہ؟ ہاں، لیکن بہت محتاط ہو کر، تم سمجھ رہے ہو نا، یہ کنفیڈینشیل۔ آپ بے فکر رہیں سر، ڈی وی ڈی پہنچ جائے گی۔ گاٹ۔ اوکے سر۔ ہیلو نیلم، کیسی ہو تم؟ میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اوکے، پھر کل تو میرے آفس آ جاؤ۔ شور۔
What a pleasant surprise. क्या बात है, इतने सालों बाद मिले हैं, कोई जोश नहीं है, पहचाना तो है ना मुझे? बिल्कुल पहचान लिया, कैसे भूल सकता हूं। तो रही बात जोश की, तो वो वक्त भी अच्छा लगता है। वेल सर, वेल सर, बिल्कुल नहीं बदले तुम, वैसे के वैसे ही हो। कमजोर्फ आदमी जितना मर्जी बड़ा हो जाए, रहता कमजोर्फ ही है। अफसोस होता है तुम्हें देखकर। तुम कुछ हद से नहीं बढ़ रहे? नहीं, अभी नहीं बढ़ा। जब बढ़ूंगा तो ये जमीन तंग हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये लो, तुम्हें दिखाने के लिए कुछ और लेकर आया हूं। ये क्या है? इसमें कुछ और ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे डैडी के घर घेरा मजीद तंग हो सकता है, और मुझे डर है कि खान को कोई मार ना दे। व्हाट? बाबा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे खुद कहा था कि बाबा की सिक्योरिटी तुम खुद करोगे, और अब तुम ही ये कह रहे हो? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। नीलम, ऐसा वक्त आ सकता है, खान की जान को सीरियस खतरा है। लुक जमान, मैं अपने बाबा की जान हर कीमत पर बचाना चाहती हूँ। अगर उन्हें कोई भी जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक उनका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम हो सकता है, खान के पास जो राज हैं, वो मैं मुल्क के मफाद में इस्तेमाल करना चाहता हूं, इस मुल्क के पिसे हुए गरीब आवाम के हक में। लेकिन बाबा मुझसे कुछ भी नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर सकती हो। उनसे बात करने की कोशिश करो, या फिर ऐसा करो कि उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाओ, लाइव शो में बुलाओ उन्हें। देखो नीरा, हम मिलके कुछ करेंगे तो बात बनेगी, वरना यू नो कुछ भी हो सकता है। ये डीवीडी देख लेना, इसे देखने के बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि कुर्बानी कितनी जरूरी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुर्बानी मेरी हो, तुम्हारी, या फिर किसी और की। बातिल से डरने वाले ए आसमां, नहीं हम, सौ बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारे इलाके में जो शख्सियत बड़ा जमान है, मैं उनका तारुफ क्या कराऊं? बस इतना ही कहूंगा कि मेरे मोहतरम भाई अरशद भाई का ताल्लुक इस मुल्क की मुअज्ज़िज़ शख्सियत और समाजी रहनुमा खान साहब से है, और खान साहब से कौन वाकिफ नहीं है। मेरे भाई अरशद भाई खान साहब के भांजे होने के साथ साथ हमारी पार्टी की यूथ विंग के सदर भी रह चुके हैं। अब मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और
अपने भाई अरशद साहब से इल्तमास करूंगा कि वो यहाँ आएं और अपने अल्फाज से हमें नवाजें। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं खुशामदीद कहूंगा जनाब अरशद साहब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, जब खान मुझे गांव में लेके आया तो मैंने ऐसी जिंदगी कभी नहीं देखी। कचरे के ढेर से जब आया तो ऐसी जिंदगी जिसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। खान ने वो सब कुछ दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने वो सब कुछ किया जो उसने मुझे बोला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खान मेरे साथ ऐसा करेगा।